जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके ठीक पीछे वाले गली के सबसे आखिर वाले मकान में एक बच्ची रहती है 5 साल की। वो मुझे बस सामने गली में खेलते हुए एक दिन दिख गई थी और बस पता नहीं उस दिन से एक कनेक्शन सा उससे हो गया, मतलब ऐसा कनेक्शन कि कोई रिश्ता तो नहीं था उससे, बट जब भी मैं उसे अपने गली में खेलते देखता या फिर जब भी मैं उसके पास होता, उसकी हंसी को देखता, उसके मुस्कान को देखता, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो बहुत करीब आ गई मेरे, मतलब जब भी उसे टॉफ़ी खाना होता था वो हमारे घर पे आ जाती थी, और जब भी वो मम्मी उसे डांटती थी वो होमवर्क नहीं की हुई रहती थी, और मम्मी से जब डांट पड़ता था तो हमारे पास आकर के वो पूरी कहानी सुनाती थी, और मैं भी बड़े फुर्सत से उसी कहानी को सुनता था। तो उसी के जो उसकी जो क्या कहते हैं उसको, जो उसका जो मन, चंचल मन है और उज्जवल स्वभाव जो है, जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसको मैंने एक कविता का नाम दिया है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आप इस कविता को सुन के बताना, और उम्मीद करता हूँ आपका स्नेह आपका प्यार उस बच्ची तक पहुँचेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ कि आकर आंगन में चुपके से, आकर आंगन में चुपके से घर पावन कर जाती है, आकर आंगन में चुपके से घर पावन कर जाती है, चंचल मिठास उमंग जिंदगी में फिर से भर देती है, चंचल मिठास उमंग जिंदगी में फिर से भर देती है। है वो केवल 5 साल की, है वो केवल 5 साल की, लेकिन कभी कभी अपनी प्यारी बातों से मुझे हैरान कर जाती है, लेकिन कभी कभी अपनी प्यारी बातों से मुझे हैरान कर जाती है। शहद मिश्री रस घोल स्वर में, ये देखिएगा जब छोटी बच्ची होती है और कुछ अनएक्सपेक्टेड जब वर्ड वो उच्चारण करती है, जब प्रोनाउंसिएट करती है, तो मतलब आपको बड़ा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आप कभी कभी हैरान हो जाते हैं, अरे इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बात कैसे बोल रही है। तो उसी को मैंने लिखा है कि कभी अपनी प्यारी बातों से मुझे कभी कभी हैरान कर जाती है, शहद मिश्री रस घोल स्वर में जब शब्द नए कुछ कहती है, शहद मिश्री रस घोल स्वर में जब शब्द नए कुछ कहती है, कहती है अंकल मुझको, कहती है अंकल मुझको, खुद को बेटा बतलाती है, न जाने इतनी बड़ी समझ वो कहाँ कहाँ से लाती है, उसके निर्मल कोमल उज्जवल स्वभाव से, उसके निर्मल कोमल उज्जवल स्वभाव से कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ, कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ, छन छन करती पैरों से जब घर में दौड़ वो लगाती है, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ ये नज़ारा दिल को कितना भाता है, सच कहता हूँ ये नज़ारा दिल को कितना भाता है। कभी कभी पूछती है वो, कभी कभी पूछती है वो, आप इतना उदास क्यों रहते हो, कभी कभी पूछती है वो, आप इतना उदास क्यों रहते हो, क्या टॉफ़ी लाकर नहीं दिए थे कल इसी बात से घबराते हो, क्या टॉफ़ी लाकर नहीं दिए थे इसी बात से घबराते हो। मैं मौन सा रह जाता हूँ, मैं मौन सा रह जाता हूँ, मुझे बहलाने फुसलाने की कैसी तरकीब वो लगाती है, अपनी प्यारी मुस्कान से मुझको कितना हंसाती है, अपनी प्यारी मुस्कान से मुझको कितना हंसाती है। मेरे सीने से लगकर रहती वो, मेरे सीने से लगकर रहती वो, साथ में कितना इतराती है, मैं कोई अपना तो नहीं उसका, मैं तो कोई अपना तो नहीं उसका, फिर इतना प्यार क्यों जताती है। मैं कोई अपना तो नहीं उसका, फिर इतना प्यार क्यों जताती है, कितनी भोली कितनी प्यारी है ना वो जो मुझको भाती है।